पूर्व मुख्यमंत्री सर्वे कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ, प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इनके पास कोई कार्य योजना नहीं, लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बनाकर के पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो तीन चरण में चुनाव हुए हैं, समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग पांच लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तीन के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा, और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे।